क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलना। अरे इंस्टा पे फोटो देखा। कौन सा? हाँ ये विराट वाला। ये विराट किधर है इसमें? ये तो स्टेडियम का फोटो है। सिर्फ स्टेडियम का फोटो नहीं है, ठीक से देख। क्या वो स्टैंड पे किसका नाम लिखा है? ओ विराट कोहली स्टैंड। एग्जैक्टली, अब विराट कोहली के नाम पे स्टैंड बन गया। अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। वो क्या ना, हर किसी प्लेयर को नसीब नहीं होता, ये सिर्फ लेजेंडरी प्लेयर्स को मिलता है। मुंबई से हूँ, लेजेंडरी प्लेयर्स की कमी नहीं है यहाँ। सुनील गावस्कर स्टैंड और सचिन तेंदुलकर स्टैंड तुमने सुना ही होगा। हाँ सुना है, बट रोहित शर्मा पे स्टैंड नहीं बना अब तक। नहीं मतलब तुम लोग कंपेयर तो ऐसे ही करते हो ना कि रोहित शर्मा तो विराट से बेटर ही है एंड एवरीथिंग। तो विराट कोहली पे तो स्टैंड बन गया अभी दिल्ली में, तो रोहित पे क्यों नहीं बना? विराट के नाम पे तो स्टैंड बना है, बट रोहित के नाम पे ना पक्का स्टेडियम बनेगा। तू मुंबई इंडियंस फैन है ना? ऑब्वियसली यार। नहीं मतलब साहब, जेन्युइन मुंबई इंडियंस फैन है? कोई डाउट है क्या तुझे? ना। तो ऐसे क्या पूछ रहा है? अरे नहीं यार, एक्चुअली मैं सोच रहा था। क्या? यही कि मतलब देख, अभी मुंबई इंडियंस के पास कितने, 4 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। यस। एंड आई थिंक आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भी है। बेशक यार। हां बट तुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका मेजर क्रेडिट मुंबई इंडियंस के स्टार स्टडेड लाइनअप को, मैनेजमेंट को और यू नो सपोर्ट को जाना चाहिए? मतलब यही कि देख, रोहित शर्मा तो अच्छा है उसमें तो कोई शक नहीं है, बट वो सक्सेसफुल इसीलिए क्योंकि टीम भी अच्छी है। मैं नहीं मानता यार ये बात। तो तेरे हिसाब से अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो मुंबई इंडियंस कप नहीं जीत पाती इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी? देख मुंबई इंडियंस की टीम ना फर्स्ट सीजन से ही स्ट्रॉन्ग है, पर पहले 5 साल वो लोग कुछ नहीं जीते थे। Correct. और जब से रोहित शर्मा आया लीड पे, हर अल्टरनेट ईयर ट्रॉफी जीत रहे वो लोग। देख टीम स्ट्रॉन्ग होना तो अच्छी बात है, पर ट्रॉफी जीतने के लिए कैप्टन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रोहित शर्मा जैसे। मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया ने विराट को आउट करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। अरे वाह। ओ एक्चुअली ना मैं सोचता हूँ दुनिया के सारे बॉलर्स को एक साथ मिल जाना चाहिए और फिर एक साथ डिस्कस कर लो कि कैसे आउट करें उसको। और उसके बावजूद भी सेंचुरी मारते ही जाएगा विराट। बट आई डोंट नो, मुझे लगता है दुनिया के सारे बॉलर्स का ध्यान सिर्फ यही रहता है कि विराट की विकेट कैसे। हाँ यार वही, मतलब पूरा फोकस सिर्फ एक ही बंदे के विकेट लेने पे, और कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं रोहित शर्मा की विकेट कैसे ले लूं। हाँ बे। बट तुझे नहीं लगता उनके हिसाब से शायद विराट होने ज्यादा डेंजरस लगते हैं रोहित से? क्योंकि अगर उल्टा रहता ना तो मे भी वो लोग ये डिस्कस करते कि रोहित की विकेट कैसे ले, पर वैसा नहीं होता। पर सबको पता है कि रोहित के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाना यूजलेस ही है। ऐसा क्यों? अरे देख ना, रोहित के बैटिंग करने की ना स्टाइल ही कुछ अलग है यार। अगर खुद गलती करेगा ना जीरो पे भी आउट होगा, पर अगर चाहे तो दुनिया को कोई भी बॉलर से रोक नहीं सकता, चाहे ट्रेन बोल्ट हो, रबाड़ा हो, फिर 200 पक्का। और हम लोग को इंस्टा पे भी फॉलो करो। yes. कुकी वे यूजर। yeah. और मेरा पर्सनल आईडी है sanik_edin wd guy @_shivxx और सब्सक्राइब कर दो इधर। yes. because you want to reach 90,000 as soon as possible। 100k भी चलेगा जल्दी। हाँ, कर दो बस आईपीएल के पहले। yes. yeah, और हम लोग का दूसरा भी एक इंस्टा अकाउंट है which is कुकी वे बॉलीवुड, उधर हम लोग सब बॉलीवुड का डाल देते हैं, सो डू फॉलो दैट अकाउंट आल्सो। बाय बाय।